नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, नकली गुटखा मसाला बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मौके से दो लोगों को किया गिरफ्तार। जी हाँ, आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के थाना मूसा नगर क्षेत्र के मूसा नगर कस्बे का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नकली अपमिश्रित मिलावटी नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट गुटखा तंबाकू का भंडारण कर रहे लोगों पर स्थानीय पुलिस खास सुरक्षा अधिकारी ने शिकंजा कसा है। इसकी लगभग कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और वहीं मुख्य आरोपी मालिक फरार हो गया। पुलिस लगातार दबिश देकर मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। मामला जनपद कानपुर देहात के थाना मूसा नगर क्षेत्र के कस्बा मूसा नगर गौसगंज का है। नकली मसाले की जो सामग्री थी, लगभग उसका जखीरा बरामद किया है। इसमें कितने का मसाला पकड़ा, कितने की सामग्री पकड़ी गई है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? मूसा नगर थाना क्षेत्र से आज थानाध्यक्ष मूसा नगर ने दो अभियुक्तों को, जो नकली मसाला बनाने की सामग्री है उसके साथ पकड़ा है। इन अभियुक्तों के पास से लगभग 100 बोरी रैपर, जो विभिन्न ब्रांड के हैं, जिसमें गब्बर, अटल, साई, ये ब्रांड हैं, इसके अलावा भी कई ब्रांड हैं, उसके लगभग 100 बोरी रैपर पकड़ा है। इसके अलावा इन सामग्रियों में 16 बोरी तंबाकू और अन्य जो सामग्री इस गुटखा बनाने में प्रयुक्त होता है वह बरामद किया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह जानकारी मिली है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की रिपोर्ट।